हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपने चैनल पे पंचायत सचिव का इंटरव्यू लाऊंगा, तो आज हमारे साथ पंचायत सचिव जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको जो है पंचायत सचिव के बारे में जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता चल सके। तो आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय। तो सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रणधीर कुमार है और पंचायत सचिव हम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में हैं, सुगौली प्रखंड में। मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर का होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? होम डिस्ट्रिक्ट मेरा खगड़िया जिला है, यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, पहले ये रेलवे टेक्नीशियन में कार्यरत थे, और वहाँ से उन्होंने जॉब को छोड़ के यहाँ पंचायत सचिव ज्वाइन किया है, और एक साल से भी ऊपर हो गया ज्वाइनिंग का। तो सर, कैसा रहा, लग रहा है ये डिपार्टमेंट, इसका अनुभव हमारे दर्शकों को बताइएगा कि कैसा ये डिपार्टमेंट में है, क्योंकि लड़के लोग बहुत ही जानने में उत्सुक हैं कि अगर ये इस डिपार्टमेंट उनका नौकरी लगता है तो क्या उनका जो है एक्सपेक्टेशन लाइफ स्टाइल ये होगा। आप का तो एक साल हो गया है, तो उसके अनुभव के आधार पर आप बताइएगा कि कौन कौन सा जिम्मेवारी होती है यहाँ पर। देखिए, काम का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, आपको पब्लिक से भी डील करना पड़ेगा, प्रतिनिधि से भी डील करना पड़ेगा, और आपको पेपर प्रक्रिया में भी पूरा दुरुस्त रहना पड़ेगा। है जी, मतलब रिस्पांस तो है, काम में रिस्पांस है। तो अभी कौन कौन से काम आपके अंदर हो रहा है सर, ये बताइएगा। अभी जैसे कि केंद्र सरकार का जैसे 15वीं वित्त आयोग होता है, तो उसके थ्रू जैसे सड़क का निर्माण, गली नली में जो होता है नाली का निर्माण, उसके बाद यानी 15वीं वित्त आयोग से बहुत सारा योजना पंचायत के अंदर लिया जाता है छोटा छोटा। उसके बाद एक सस्टम राज वित्त आयोग होता है जो कि बिहार सरकार का है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया योजना से रिलेटेड। अभी हम करके लोहिया स्वच्छ भारत मिशन करके 15वीं और सस्टम के अलावे अभी जैसे कि LSBM है और इसमें स्वच्छता से रिलेटेड है। उसके बाद ये तो योजना से हो गया, उसके बाद जो भी पब्लिक का डिमांड रहता है जैसे राशन कार्ड, न्यू राशन कार्ड के लिए वेरीफाई करते हैं, और उसमें अगर किसी का परिवार में नाम जोड़ना है तो उसका वेरिफिकेशन होता है, हम लोग को जिम्मेदारी दिया जाता है। उसके बाद जैसे कबीर अंत्येष्टि है, ये सब टाइप का बहुत सारा है, पेंशन से रिलेटेड बहुत सारा पेंशन का नाम है, तो ये सब आपको वेरीफाई के लिए आप लोग इसको स्वीकृत के लिए आगे भेज सकते हैं स्वीकृत करके। यानी आप कह सकते हैं पंचायत सचिव को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के तले आप अपने को मतलब कैसा थोड़ा सा प्रेशराइज फील करते हैं या इसको एंजॉय कर रहे हैं इस जॉब को? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा प्रेशर लगेगा कि मतलब अच्छा नौकरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कभी अच्छा भी लगेगा, कभी कभी ऐसा होगा महीना में 2-4 दिन ऐसा आ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि वही बहुत सारा आपको वेरीफाई के लिए आपको जिम्मेदारी मिलेगा। योजना तो मेन रूप से दो ही चलता है, सस्टम राज वित्त आयोग और 15वीं वित्त आयोग, और अभी LSBM करके एक न्यू आया है, लगभग साल भर पहले जब हम ज्वाइन किए थे उस टाइम शायद ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा सर, जो ड्यूटी होती है आपकी वो पंचायत में भी रहती है या प्रखंड में? आपको दोनों जगह जाना पड़ेगा, पंचायत में, ज़्यादातर पंचायत में, लेकिन पेपर प्रक्रिया कुछ होता है जो कि आपको प्रखंड में आना ही पड़ेगा, तो वही है, आपको पंचायत भी जाना पड़ेगा, कंपलसरी है, और ऑफिस में भी आपको काम रहेगा, करना पड़ेगा, मीटिंग तो साप्ताहिक रहता ही है, आपको जिला मुख्यालय भी जाना पड़ेगा, तो यही सब है। यानी आप कह सकते हैं यदि महिलाओं को लेके कहे तो ये पोस्ट कैसा है महिलाओं के लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि क्या फील्ड ड्यूटी उन्हें सही रहेगा या नहीं रहेगा, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र होके आइए। और आप तो रेलवे की नौकरी छोड़ के आए हुए हैं, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि वो डिसीजन मेरा गलत था या सही था? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, कहे कि लगभग मेरा सेम ही था, उधर भी जितना पेमेंट बन रहा था इधर भी उतना बन रहा है। तो अभी यहाँ पे कितना पेमेंट बन जाता है सर आपका? अभी जैसे जुलाई में इंक्रीमेंट लगना था लेकिन अभी लगा नहीं है, लेकिन वो एरियर के रूप में मिलेगा, फिर भी अभी 30,000 कुछ रुपया। और ये आपका शहर पर डिपेंड करेगा, जैसे सुगौली है ना, बहुत छोटा सा जगह है, तो इसलिए HRA कम मिलता है आपका। अगर जैसे बड़ा शहर रहता है मोतिहारी,
पटना रहता है, तो उस पर सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा आपका। क्या मतलब बाहरी दबाव थोड़ा सा इस पोस्ट में जो है, थोड़ा सा बाहरी दबाव, राजनीतिक दबाव होता है, तो उसका क्या अनुभव किए हैं आप पिछले एक साल? दबाव तो आते रहेगा, लेकिन आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, और हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, उस चीज़ से डरना नहीं है। हमेशा नहीं, कभी कभी आएगा, वो तो किसी भी काम में आपको ये सब होते रहेगा। मतलब यही कहना है सर का कि कुछ भी दबाव आए, जो सही है आपको वही करना है, बस आपको सही काम करते रहना है, जो नियम संगत होगा वही करेंगे, चाहे कहीं से भी दबाव आ जाए। तो इसको लेकर थोड़ा सा चैलेंजिंग ये जॉब रहता है और सबके मुकाबले, कि डेस्क जॉब के मुकाबले फील्ड ड्यूटी है, सब सर्वोसर्वा जब पंचायत के आप और मुखिया रहते हैं, उसके ही अंदर जो है सब योजना का जो है संचालन किया जाता है। आप सही काम करते रहिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और एक योजना मतलब कितने दिनों तक पूरा कर लिया जाना पड़ता है आजकल नया गाइडलाइन के अनुसार? देखिए जैसा काम है वैसा टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ छोटा योजना है तो आप 10 दिन में भी निपटा सकते हैं उसको, अगर ज़्यादा लंबा वर्क है तो आपको महीना दिन भी लग सकता है, तो इस पर कोई निश्चित नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, क्या इस जॉब में रह के आगे की तैयारी हो सकती है? ये बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा बहुत बड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी जो डेडिकेटेड रहेंगे, अच्छे से जो समर्पित रहेंगे आए, वो कर सकते हैं। क्या कि आपका दिमाग जो है ना मतलब स्थिर नहीं रहेगा, जब आप इस जॉब में आएंगे तो कल क्या करना है आपको आज ही सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट रहेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यही है कि क्योंकि छात्रों की जो पहली पसंद है राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव को लेके है, तो दोनों जॉब में मेरे ख्याल से यही, क्योंकि हम राजस्व कर्मचारी और सर है पंचायत सचिव, तो दोनों का एक्सपीरियंस यही बोलता है कि ये दोनों जॉब में अगर आप आ जाते हैं तो फिर फंस जाइएगा। आगे अगर आगे का सपना है तो दिक्कत होगा। तब आप निम्न वर्गीय लिपिक में डालिए पहला चॉइस, उसमें क्या है ना कि दिन भर आप काम करेंगे, रात रात में फ्री होंगे। इसमें है क्या आपको कल क्या करना है, आज रात में ही सोचना पड़ेगा या आज ही सोचना पड़ेगा, तो आपका दिमाग स्थिर नहीं रह पाएगा। तो हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे एग्ज़ाम के लिए कि तैयारी कैसे करें? देखिए अगर तैयारी की बात किया जाए तो जैसे जीएस रहता है 50, साइंस रहता है, उसके बाद मैथ रहता है, बढ़िया से तैयारी कीजिए, और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, मेहनत कीजिए। आपका अगर तैयारी अच्छा से है तो ज़रूर होगा, आप सोचेंगे तुक्का इसमें आ जाएंगे तो होने वाला नहीं है। और इस बार तो कंपटीशन भी कंपटीशन बहुत टफ हाई है, टफ हो जाएगा, तुक्का होने वाला नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो है पंचायत सचिव रणधीर जी जुड़े, इन्होंने अपना जो है वर्क एक्सपीरियंस एक साल का शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, यदि आपको और भी कुछ जानना हो तो आप उसमें कॉमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा सर का जो इंटरव्यू ले लूँगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।